अगर हम दो तीन या इससे ज्यादा एम्ब्रियोज डालेंगे तो ट्विन्स, ट्रिपलेट्स एंड हायर ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस। नमस्कार, आई एम डॉक्टर पुनीत कोचर। आई एम अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट एलिक्सर फर्टिलिटी सेंटर, मॉडल टाउन, नॉर्थ दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। Does IVF increase the chances of getting a twin or triplet pregnancy? क्या IVF के द्वारा twins होने के chances बढ़ जाते हैं? इसका जवाब हाँ या ना में देना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि IVF में आप और हम, डॉक्टर और पेशेंट मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितने embryos ट्रांसफर किए जाएं। Around 10 to 20 years ago, the norm was to put 2 or 3 or sometimes even more embryos. अगर हम दो तीन या इससे ज्यादा embryos डालेंगे तो ट्विन्स, ट्रिपलेट्स एंड हायर ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ दीज मल्टीपल प्रेगनेंसीज कम विद देयर एसोसिएटेड रिस्क्स। ज्यादा प्रेगनेंसीज होने के कारण प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट जैसे रिस्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वी हैव ट्राइड टू do a better morphological selection of the embryo. अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे embryologist एक technique होती है जिसको blastocyst culture कहते हैं, जिसमें embryos को cleavage stage या day 2 day 3 survey से लेकर day 5 तक culture किया जाता है और उनका better morphological assessment किया जाता है। embryos की growth को देखकर, उनके development को देखकर हम ये जान पाते हैं कि कौन से embryos better हैं। Human embryos में usually, let's say if you have about 10 cleavage stage embryos to start with, इसमें से लगभग 3 या 4 अच्छे blastocyst बनते हैं। तो जो embryos blastocyst stage तक पहुंच रहे हैं, उनका implantation rate बहुत better होता है as compared to a day 2 or day 3 embryo. So doing a blastocyst culture helps us in selecting a better embryo. Similarly, there are some other techniques such as time-lapse imaging. इससे भी हमें embryo selection में help मिलती है। अब ब्लास्टोसिस्ट कल्चर या टाइम लैप्स हमें एम्ब्रियो का मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट बताते हैं। कुछ टेक्निक्स ऐसी भी होती हैं जो उनका जेनेटिक पोटेंशियल भी बता सकती हैं, जैसे कि एम्ब्रियो बायोप्सी एंड पीजी ट्यूब। सो इन टेक्निक्स के द्वारा हम एक बेटर क्वालिटी एम्ब्रियो जिसका जेनेटिक पोटेंशियल अच्छा है सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस हैज हेल्प्ड अस टू मूव टुवर्ड्स अ सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो बहुत केसेस में हम ये जानते हैं कि पेशेंट्स ट्विन्स नहीं चाह रहे और हम पेशेंट से बात करके सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करते हैं। नाउ द सक्सेस रेट ऑफ अ सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर एट द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ पुटिंग 3 और 4 क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियोस। अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं उससे आपका सक्सेस रेट कम नहीं होता। अगर हम 3 या 4 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करेंगे आपका ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ ट्विन्स ट्रिपलेट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ ट्विन्स, yes, we can select a single good embryo. फिर सब लोग single transfer क्यों नहीं करते? So, as of now in India, there is no law that states that we can do a single embryo transfer. In some countries like the United Kingdom, women are allowed to have only one embryo back in the first and second cycles if their age is less than 37 years. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि twins के साथ associated higher complication rates होते हैं। हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिमाइज करते हैं पेशेंट क्या चाहता है। दूसरा, क्या पेशेंट फिट है ट्विन प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए? इज शी अ डायबिटिक? डज शी हैव अ हार्ट डिजीज? डज शी हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स? हैज शी हैड अ प्रीवियस अबॉर्शन इन विच शी कुड नॉट कैरी अ बेबी बियॉन्ड लेट्स से अबाउट 14 वीक्स? ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम ट्विन प्रेगनेंसी प्रेफर नहीं करते। सो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक या दो एम्ब्रियोज में से क्या ट्रांसफर कराना चाहेंगे। आई एम श्योर दिस कैन बी डन विदाउट डिक्रीजिंग योर सक्सेस रेट्स ऑफ गेटिंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू।